बड़ा होता है, इसलिए देवी बड़ा छोटा कोई निर्णय नहीं कर सकता है। आप पता नहीं, देखिए अब मैं आपको सिखाना चाहता हूं एक बात। किसी किसी बच्चे की उम्र 25 साल होती है और वो एमटेक बीटेक होता है, इंजीनियर होता है, उसका पप्पा अंगूठा लगाता है, बैंक जाता है, तो अब बड़ा किसको माने ये बताओ। और उसका बेटा बैंक चलाता है, उसका बेटा बैंक चलाता है और पप्पा बैंक में जाता है तो अंगूठा लगाता है, अब बड़ा किसको माने आप बताइए। समझौता करिए जीवन में, किसको बड़ा कहें किसको को छोटा कहें, इस बात का निर्णय हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने इतनी न्याय से दुनिया बनाई है कि इस दुनिया में झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को भी कुछ न कुछ अच्छा दिया है। जो महल में नहीं है वो झोपड़ी में मिल जाएगा, जो झोपड़ी में नहीं है वो महल में मिल जाएगा। भगवान ने एक बड़म्पन सबको दिया है, एक बड़म्पन किसको दिया है, मनुष्य को नहीं, सबको, पूरी सृष्टि को। जैसे तोते को बड़म्पन भगवान ने क्या दिया है, तोते को उसकी सुंदर नाक बनाई है। हिरण को बड़म्पन क्या दिया है, हिरण को उसकी सुंदर आंख बनाई है। मोर को बड़म्पन क्या दिया है, उसके सुंदर पंख बनाए हैं। सबको भगवान ने दिया है, हर चीज भगवान ने सबको दे के रखी है। मोर जब नाच रहा हो तो बड़ी बड़ी अप्सराएं फेल हो जाती है उसकी सुंदरता के आगे। अब बताइए, तुम ठुमका लगा लो और मोर का ठुमका देख लो, तुम नाच रहे हो तो फोटो कोई ना निकाले, और मोर नाच रहा हो तो लोग खड़े खड़े मोटरसाइकिल लोग के मोबाइल चालू कर देते हैं। बताइए, एक सुंदरता तो भगवान ने घोड़े में दी है। घोड़ा, घोड़े की क्या चीज अच्छी होती है बताओ। घोड़े के कान बड़े सुंदर होते हैं, एकदम स्लाट सीधे, और दोनों कान एक साथ हिलते हैं उसके, घोड़े के एक साथ, हमारे नहीं हिल सकते हैं। अब घोड़ा है कि नहीं महान, आप अपने कान को हिला के बताओ। चलो घोड़े की महानता, घोड़े की सौंदर्यता उसके कानों में, तोते की सुंदरता उसकी नाक में, हिरण की सुंदरता उसके नेत्रों में, मोर की सुंदरता उसके रंग में, कलर में, उसके पंख में, हर दुनिया में हर चीज में कोई न कोई सुंदरता प्रभु ने भरी है। और ऐसे ही मनुष्यों में है, कोई रूप का सुंदर है, कोई गुणों का सुंदर है, कोई बुद्धि का सुंदर है, कोई आत्मा का सुंदर है, कोई विचारों का सुंदर है, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई सुंदरता है। इसलिए किसको बड़ा कहें, किसको अच्छा कहें, किसको बुरा कहें, ऐसा निर्णय जीवन में कभी मत कीजिए। कोई बुरा है, कोई अच्छा है, ये लाचार है, ये सदाचार है, ये ऐसा है वैसा है, पर भगवान करे कोई गुण किसी के भी अंदर हो, पर एक गुण सबके अंदर होना चाहिए। आहार कभी गलत नहीं करना चाहिए, व्यवहार कभी गलत नहीं करना चाहिए। क्यों? तुम्हारी अच्छाई का श्रृंगार तभी समाज में सजता है जब आहार और व्यवहार अच्छा हो जाए। आहार बिगड़ा है, व्यवहार बिगड़ा है, तो कोई भी अच्छाई आपके ऊपर आ सकती नहीं। एक अच्छाई भी काफी है संसार में सम्मान पाने के लिए। एक अच्छाई से भी दुनिया हमें पूजेगी, और एक अच्छाई से हम दुनिया को छू लेंगे संसार में। एक अच्छाई से आकाश की बराबर दूरियां प्राप्त कर लेंगे, बड़म्पन प्राप्त कर लेंगे, पर हमारा आहार और व्यवहार अच्छा हो जाएगा तब होगा ये सब। व्यवहार बहुत गंदा है तो लोग क्या बोलते हैं, क्या है अच्छा हुआ तो क्या हुआ, कितना बुरा बोलता है क्या चिंतन है इसका खराब। बस दुनिया व्यवहार पे टिकी है, समाज को व्यवहार चाहिए। आप कैसे हैं कुछ पता नहीं किसी को, आपका व्यवहार ही आपकी पहचान बताता है, आपका व्यवहार आपकी पहचान बताता है। कोई आदमी बूट पहनकर, शूज पहनकर, जूते चप्पल पहनकर मंदिर में घुसा चला जाए, घुसा चला जाए, घुसा चला जाए, घुसा चला जाए, और उसे देखने वाले लोग क्या देंगे उसको उपहार बताओ। है बड़ा सुंदर है, टाई वाई कोट पैंट और एकदम मर्सरी में आया है, दुनिया भर के बॉडीगार्ड बाजू में लगे, और जूते पहन के घुसा जा रहा, घुसा जा रहा, घुसा जा रहा, घुसा जा रहा है। तो वहां पर जो गरीब लोग देख रहे होते हैं ना, गरीब लोग जो 2% के लोग उसे देख रहे होते हैं, वो कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और छाया तक मिलती नहीं, फल लागत अति दूर। खजूर के पेड़ की छाया भी खटिया को सुखना देती,
खजूर के पेड़ के नीचे कोई सो नहीं सकता और खजूर के पेड़ को कोई लपक के फल नहीं तोड़ सकता। खजूर के पेड़ के ऊपर फल तोड़ने का ज्ञान किसी एकाध को होता है, सबको नहीं। दुनिया भर के बगीचे तो खजूर के हमने देखे पर फल सब तोड़ सकते हैं नहीं है। उस पे चढ़ने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ऐसे ही भगवान कहते हैं ऐसा बड़मपन किस काम का, जैसे खजूर के झाड़ की तरह बादलों तक चला जाता है वो, बादलों तक, भाद्रपद के जो बादल होते हैं ना उनको छू लेता खजूर का पेड़, खजूर के पेड़ को टकरा टकरा के बादल जाते हैं। पर बादल क्या करे और वो बड़ा होके भी क्या करे, बड़ा हो तो ऐसा होना चाहिए जैसे वड़ का पेड़। वड़ का पेड़ कैसा रहता है, छोटे छोटे बच्चे भी पत्ते तोड़ लेते उसके, पर जितना भी बड़ा होता चला जाता है और वो उतना ही पृथ्वी की तरफ झुकता चला जाता है। इसलिए सब लोग झूला डाल लेते, सब लोग व्यायाम भी कर लेते, सब लोग पकड़ भी लेते और एक साथ 100 खटिया बिछा के सो जाओ वड़ के पेड़ के नीचे, पूरे गांव को शांति दे सकता है। ऐसा बड़मपन चाहिए। खजूर के पेड़ जैसा नहीं, जूते पहन के घुसा जा रहा है। लोग बोलते एड़ा हो गया साला, बड़ा है तो करोड़पति होगा, अपने घर का होगा, पीठ के पीछे बोलते, मुंह पे नहीं बोल सकते क्योंकि वो घूम रहे हैं ना काले काले कपड़े पहन के, इसलिए चुप पीछे पीछे बोलते हैं। कहेगा दो पैठे की अकल है इसको, मंदिर में कैसे जाते, अपने कोई भगवान मान रहा है, भगवान के मंदिर में ऐसा जा रहा है। दुनिया भर की चर्चा शुरू हो जाती है। इसलिए बड़मपन आदमी का व्यवहार के साथ ही सचता है, व्यवहारहीन प्राणी का बड़मपन कहीं भी सम्मान दिलाता नहीं। तो क्या क्या रखना चाहिए जीवन में, कहा व्यवहार और आहार। आहार अच्छा कर लिया और व्यवहार अच्छा कर लिया तो हर जगह पूजा नमस्कार, आओ बैठो, जल लो, चाय लो, दूध लो, सेवा चालू हो जाएगी। आहार अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, काय को सेवा चालू हो जाएगी। अच्छा, आप लोगों में से कोई भी आदमी मुझको बोल देता, आप लोगों में से किसी भी एक व्यक्ति ने अगर मुझे कहीं शराब पीते हुए देख लिया होता तो आप लोग क्या मेरी बात पे भरोसा करते क्या है? आप लोग क्या करते बताओ? अगर तुम में से कोई भी आदमी मुझको रगड़ते देख ले, रगड़ते अंगूठे से है? तो आप क्या करेंगे फिर? इसीलिए कहा आहार वित्वान व्यवहार कृत्वम, आहार आगमन और व्यवहार कर्म। आहार अच्छा हो जाए, व्यवहार अच्छा हो जाए तो आदमी के गुणों की पूजा शुरू हो जाती है। गुण कितना भी हो पर आहार अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं तो उसके गुण की भी पूजा नहीं होती है, उसके सर्वस्व की पूजा नहीं होती है। आप शुद्ध मावा एकदम ओरिजिनल खोवा, मावा लेकर के टोकनी में और चौराहे पर आप बैठ जाइए बिना ढक्कन लगाए तो आप कितना भी बढ़िया मावा लेकर बैठ जा कोई नहीं पूछेगा उसको। और डुप्लीकेट मावा, 5 किलो शक्कर और 250 ग्राम मावा और एक शीशे के उसमें आप सजा के बैठ जाइए, बड़े बड़े करोड़पतियों की लाइन लगी रहती है भाई। राजस्थान स्वीट ही सबसे बढ़िया रहता। चले जा रहे और 5 किलो शक्कर में 250 ग्राम मावा है पर कटिंग बटिंग सजावट बजावट काला पीला करके बढ़िया लगा के रखा है, व्यवहार अच्छा है उसका, इसीलिए बिक रही है 500 रुपए किलो शक्कर। दुनिया खा रही है दिवाली में, मजे लूट रहे लोग और एक ओरिजिनल मावा लेके बैठा है पर उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। गंदे कपड़े, गंदी टोकनी, गंदा कपड़ा, पहने कपड़ा गंदी जगह पर बेकरा, इसीलिए कोई भी आदमी उसकी अच्छाई की वैल्यू करता नहीं है। इसीलिए अच्छे को अच्छे की वैल्यू करवानी है तो उसे संयम में रहना चाहिए, व्यवहार में रहना चाहिए, अनुकूलता में रहना चाहिए। आज माता पार्वती और शंकर दोनों पति पत्नी ने आपस में बैठ के नियोजन कर लिया, कहा कि जो जीते वही सिकंदर, इन दोनों बच्चों की परीक्षा करेंगे, बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा अपने आप ही पता चल जाएगा और जो भी विजयी भव हो जाएगा उसकी शादी करवा देंगे, जो हार जाएगा उसको और तपस्या करने देंगे। भगवान शंकर ने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा पुत्र अब तुम्हारी शादी का निर्णय हम लोग कर नहीं पा रहे। पार्वती कहती है गणेश बड़ा है, शंकर कहते हैं कार्तिकेय बड़ा है, अब हो कैसे समझौता, और पति पत्नी ही नहीं जानते कि बड़ा कौन सा है तो मोहल्ले वाले कैसे बताएंगे बता है? अच्छा बताइए बच्चे की डेट ऑफ बर्थ किसको मालूम होनी चाहिए ज्यादा? मम्मी को, और मम्मी भी चलो भूल जाए तो पापा को, ये दोनों के सिवाय तीसरे को मालूम क्यों? पर भगवान कहते हैं आज इस घर में कुछ और ही बात है, डेट ऑफ बर्थ के ऊपर कोई जा ही नहीं रहा, यहां तो गुणवाचक कर्मवाचक संधि है। भगवान शंकर ने माता पार्वती को बुलाकर कहा देवी दोनों बच्चों को बुला करके निर्णय कर दो। दोनों बच्चे आए और माँ बाप के सामने बैठे। भगवान शंकर ने घोषणा की गणेश और कार्तिकेय के सामने, हे पुत्र
तुम दोनों में से विवाह पहले उसका होगा जो पृथ्वी की